बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ पद्य पाठों की। पाठ चार, मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ ये पाठ मनुष्यता, जिसका कि पहला अनुच्छेद और दूसरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, पहला पद्यांश, दूसरा और तीसरे पर मैं आ गई हूँ। कविता में गुप्त जी ने ये बताया है कि मनुष्यता मनुष्य के अंदर का वो भाव है जो अगर उसके भीतर न रह जाए तो उसकी उसका जो जीवन है वो पशु के समान है। कहा है उन्होंने, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अगर हम खुद अपना पेट भरने के लिए जीवन जीते हैं तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए कहा है कि मनुष्यता है तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि हम तभी मनुष्य कहलाने लायक हैं जब हम अपना जीवन मनुष्यों के लिए न्योछावर करने की क्षमता रखते हों। और कहा है कि ये तो निश्चित है कि हम मनुष्यों के जन्म लिए हैं तो हमारी मृत्यु भी सुनिश्चित है, लेकिन अगर मृत्यु सुनिश्चित है तो ऐसी मृत्यु हो कि मरने के बाद भी कोई याद करे। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, कि अगर अच्छी मृत्यु नहीं प्राप्त की तो जीना और मरना दोनों व्यर्थ चला जाता है। लेकिन अगर एक अच्छा जीवन जीते हैं, वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य, धरती पर रहकर मनुष्य कहलाने योग्य जो कार्य होते हैं उन्हें करते हैं, तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। तो ऐसे उदार व्यक्ति की कथा साक्षात देवी सरस्वती अपने मुख से करती हैं, गाती हैं। तो इन्होंने मनुष्यता के भाव को इस दोनों अनुच्छेद में स्पष्ट किया है। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए मैं तीसरे अनुच्छेद पे आती हूँ। क्षुधार्त रंत देव ने दिया करष्ट थाल भी, तथा दधि चिने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि ने मनुष्य को अपने अनित्य देह अनित्य शरीर की चिंता छोड़कर निर्भय होने की बात कहते हुए कहा है कि अनादिकाल से ये सुनिश्चित हुआ है कि ये शरीर सदैव बना रहने वाला नहीं है, अनित्य है। अनित्य मतलब जो सदा बना नहीं रहेगा, कभी न कभी इसकी मृत्यु जो है वो सुनिश्चित है, होगी ही। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। तमाम पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से मनुष्यता को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार भूख से व्याकुल रंति देव, परम दानी राजा रंति देव ने अपने हाथ में लिया हुआ जो भोजन का थाल था उसे दरवाजे पे आए भूख से व्याकुल व्यक्ति को दे दिया। अर्थात कहने का मतलब कि मनुष्य जो है अगर वो मनुष्यता के भाव को नहीं समझता, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए उसका जीवन है तो उसका जीवन व्यर्थ है। और हमारे यहाँ तमाम ऐसे धार्मिक और पौराणिक उदाहरण हमें मिलते हैं जिसमें हमें ये जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि समस्त विश्व का है। उसी बात की पुष्टि करते हुए कवि ने यहाँ पर कहा है कि क्षुधार्त रंति देव ने करस्त थाल भी दिया। राजा रंति देव ने अपने हाथ का थाल जिसे वो भोजन करने जा रहे थे, सामने भूख से व्याकुल व्यक्ति को देखा तो उसे उठाकर दे दिया।
तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, और महर्षि दधीचि ने इंद्र को वज्र बनाने हेतु अपनी अस्थियां दान में दे दी कि वज्रास्त्र बनेगा देवताओं की रक्षा के लिए। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, और गांधार देश के राजा ने अपने शरीर का मांस दान कर दिया। एक कबूतर उनकी गोद में आके बैठ जाता है, बहेलिया अपना शिकार मांगता है तो वो शरण में आए हुए को ऐसे नहीं छोड़ना चाहते, वे कहते हैं कि इसके बराबर का मांस तो मेरा ले लो लेकिन इसे छोड़ दो। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और कर्ण की कथा से आप बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ये कथा पता है कि कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्रदेव ब्राह्मण वेश में आकर के जब महादानी कर्ण के सामने खड़े होते हैं और कवच और कुंडल की मांग करते हैं तो वो समझ तो जाते हैं, उसके पीछे का कारण उनके समझ में आ जाता है, लेकिन महादानी नाम से जुड़े हुए कर्ण इंद्र को खाली हाथ नहीं लौटा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल दान कर दिया। तो कवि ने कहा है कि हमारे यहाँ जितने भी उदाहरण मिलते हैं, चाहे वे राजा रंतिदेव के हों, दधीच के हों, उशीनर गांधार देश के राजा के हों या कर्ण का हो, ये सुनिश्चित है कि हमारा जो ये शरीर है वो सदैव बना रहने वाला नहीं है। तो कवि ने कहा, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि काल से ये निश्चित है कि हमारा ये जो शरीर है वो सदैव बना रहने वाला नहीं है, कभी न कभी इसके मृत्यु सुनिश्चित है, और जब सुनिश्चित है तो इस शरीर के लिए किस बात का डर, आज मृत्यु हो या सैकड़ों वर्ष बाद हो। लेकिन वास्तव में मृत्यु तो अच्छी मृत्यु तो तभी है कि मरने के बाद भी आपकी यश गाथा दुनिया में गूंजती रहे। तो कवि ने यही कहा कि वास्तव में मनुष्य जो अनित्य देह है उसके लिए अनादिकाल से ये बात सुनिश्चित है कि यह जीवन सदैव बना रहने वाला नहीं है, तो ऐसी देह के लिए अनादिकाल से ये बात सिद्ध हो चुकी है, तो किस बात का डर, तो क्या डरना, मृत्यु तो आनी ही है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी वही मनुष्य है जो वास्तव में अपने भीतर मनुष्यता का भाव रखकर मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए अपना भी जीवन सादर समर्पित करते, वही मनुष्य है, अर्थात वही मनुष्य कहलाने योग्य है। तो कवि ने यहाँ पर मनुष्यता को के भाव को स्पष्ट करने के लिए तमाम पौराणिक उदाहरणों, दृष्टांत, अलंकार के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध किया है कि दूसरों की भलाई के लिए मनुष्य को अपने देह की चिंता अर्थात मृत्यु से भय को छोड़ देना चाहिए। जैसे राजा रंतिदेव, दधीचि, कर्ण, उशीनर आदि सभी लोगों ने दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन की चिंता नहीं की, तो मनुष्य वास्तव में वही है। यहाँ पर कवि ने दानशीलता की प्रवृत्ति, दानशीलता के भाव को स्पष्ट करने के लिए इन पौराणिक उदाहरणों का सहारा लिया, और इस माध्यम से ये बताया कि मनुष्य को दूसरों के लिए जीने और मरने
का भाव हृदय में रखना चाहिए। अर्थात उन्होंने संदेश दिया है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो वास्तव में मनुष्यों के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दे, न्यौछावर कर दे। तो कवि ने अपनी भाषा सौंदर्य के माध्यम से, खड़ी बोली के तत्सम शब्दों के माध्यम से जो सुंदर कविता में प्रयोग किया है, तमाम पौराणिक चरित्रों का उदाहरण देकर दानशीलता के महत्व को समझाया है और इन चरित्रों के माध्यम से दानशीलता के भाव को लोगों में जागृत किया है। आज के युग में आम तौर से दानशीलता का भाव नहीं दिखाई पड़ता, तो कवि ने यही समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य का वास्तविक मतलब जो है वो ये है कि ये शरीर कभी भी सदैव बना नहीं रहेगा। आप इसकी खूब देखरेख करिए या बिल्कुल ना करिए, इसे तो एक दिन न एक दिन मृत्यु प्राप्त होनी ही है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को किसी सत्कर्म में लगा करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वास्तव में ये जीवन जो है वो सफल सिद्ध होगा। और मनुष्य कहलाने योग्य जीवन कहलाएगा, इसी बात को कविता के माध्यम से कवि ने प्रकट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अनुच्छेद, ये पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ का जो इतिहास है वो कैसा है। पौराणिक गाथाएं इस चीज का साक्षात प्रमाण है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। अहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब पौराणिक उदाहरणों के बाद, दानवीरता के महात्म्य को बताने के बाद, दानवीरता के महत्व को समझाने के बाद कवि ने परोपकार की भावना को मनुष्य के भीतर उजागर करने के लिए मनुष्य की उदारता का बखान करते हुए पद्यांश को लिखा है कि परोपकार करने वाला मनुष्य ही उदार कहलाता है, वही वास्तव में सच्चा मनुष्य है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, महाविभूति का मतलब होता है सबसे बड़ी पूंजी। महाविभूति सबसे बड़ी पूंजी। तो उन्होंने सबसे बड़ी पूंजी कहा है इसे, सहानुभूति चाहिए। अब कवि कहता है जो दूसरों की भावनाओं को समझे, जो दूसरों के साथ सहानुभूति का भाव रखे, सबको समान समझे, सबके दुख दर्द के महत्व को जाने, किसी को भी कष्ट में देखे तो उसके साथ सहानुभूति का भाव रखे, मनुष्य के अंदर मनुष्यता का जब अगर गुण होगा तो सहानुभूति का भी आना स्वाभाविक होगा।
तो कवि ने कहा, जो दूसरों की भावनाओं को समझे, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। अगर मनुष्य के अंदर सहानुभूति का भाव है तो यानी कि उसे संसार की सबसे बड़ी पूंजी उसके पास है, उसे संसार की सबसे बड़ी पूंजी प्राप्त है। जिस मनुष्य के पास सहानुभूति, उदारता, विनम्रता, दया, प्रेम जैसे भाव होते हैं, संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वही होता है। क्योंकि संसार की सबसे बड़ी पूंजी उसके पास है, मनुष्यता के गुण को बढ़ाने की सबसे बड़ी पूंजी उसके पास है। वशीकृता सदैव है, वशीकृता वश में, वशीकृता यानी वश में, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही यानी धरती। तो कवि ने कहा कि वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, ऐसे व्यक्ति के वश में धरती स्वयं रहती है, यानी धरती ऐसे लोगों के वश में रहती है। ये इतना बड़ा धार्मिक कर्म है, अगर मनुष्य के अंदर सहानुभूति का भाव हो, मनुष्य के अंदर उदारता का भाव हो, तो धरती को भी वो चाहे तो अपने वश में कर सकता है, पूरी धरती उसके वश में हो जाएगी। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, ऐसे व्यक्ति के वश में स्वयं धरती हो जाती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। अब किसी समय भगवान बुद्ध का भी विरोध करने वाले अनेक थे, लेकिन भगवान बुद्ध की जब दया के भाव को संसार के समस्त प्राणियों ने जाना, उनके दया के भाव को जब समस्त प्राणियों ने समझा, तो विरोध करने वाले जितने लोग थे वो नतमस्तक हो गए उनके सामने, उनकी दया के आगे सारे उनके विरोधी भी जो थे वो नतमस्तक हो गए। तो ये कहा है कि यदि व्यक्ति के अंदर सहानुभूति है, दया है, परोपकार है, तो वो सारी धरती को अपने वश में कर लेता है। बुद्ध का उदाहरण देते हुए वो समझाना चाहते हैं कि जब सारा संसार विरुद्ध था उनकी भावनाओं के, और जब उनके दया के भाव से सारा संसार परिचित हुआ, तो जितना विरोध था लोगों के अंदर उनके प्रति, वो सारा विरोध पल भर में कहीं समाप्त हो गया, गायब हो गया, और सारा संसार उनके आगे विनीत विनम्रता के भाव से झुका रहा। तो इन्होंने बुद्ध के उदाहरण से कहा है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बह। सारा विरोध बुद्ध के दया के भाव के आगे टिक नहीं पाया, बह गया कहीं। ऐसा भाव है दया का कि वो किसी को भी अपने वश में कर लेता है, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख सकता है। ये कवि समझाना चाहते हैं कि अगर मनुष्य के भीतर ये सारे गुण हो तो वो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। अब इन्होंने कहा कि संसार का सबसे बड़ा उदार व्यक्ति वही है जो जिसके अंदर परोपकार की भावना हो, पर उपकार यानी दूसरों का भला करने की भावना हो, दूसरों पर दया करना, दूसरों की भलाई करना परोपकार है। यानी ऐसे लोगों की बात कवि ने यहाँ की है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। संसार में उदार व्यक्ति वही कहलाने योग्य है जिसके अंदर उदारता हो, परोपकार हो,
दया हो, सहानुभूति हो, वो व्यक्ति उदार है जो संसार के समस्त व्यक्तियों को अपने बराबर समझे, जिनकी रक्षा के लिए वो अपना सर्वस्व समर्पण कर दे। संसार में वो व्यक्ति वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। तो मनुष्यता के इस भाव को कवि ने यहाँ दिखाया है कि किस तरह मनुष्य के भीतर का जो भाव होता है वो उसे उदार बनाने पे सारी धरती को भी अपने वश में कर सकता है। तो कवि ने यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से इस भाव को व्यक्त किया है कि परोपकार करने वाला जो मनुष्य है वही उदार कहलाता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। दूसरों की भावनाओं को जो समझे, जिसके अंदर सहानुभूति हो, संसार का सबसे बड़ा सबसे बड़ी पूंजी उसके पास होती है। ऐसी पूंजी ही मनुष्य को सदैव अपने वश में रखनी चाहिए। सारी धरती को अपने वश में कर लेती है ऐसी पूंजी। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा, अपनी दया की भावना से सारे संसार को अपने सामने झुका लिया, सारा विरोध समाप्त हो गया, सारा संसार उनके आगे नतमस्तक हो गया, उसी प्रकार से परोपकार करने वाला मनुष्य ही वास्तव में उदार मनुष्य है। वही मनुष्य दूसरों के लिए जीता और मरता है, और सच्चा कहलाने वाला मनुष्य भी यही है। अब यहाँ पर कवि ने सुंदर शब्दों का वर्णन करते हुए दूसरों की अनुभूतियों को समझने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है, बड़ा होता है। गौतम बुद्ध की का उदाहरण देकर दया भावना को समझाने की कोशिश की गई है कि उनकी दया भावना के आगे सृष्टि के समस्त लोग नतमस्तक हो गए, झुक गए, किसी का भी विरोध उनके सामने नहीं चल पाया। सारे धरती को वश में कर लिए। तो कवि ने यहाँ पर सहानुभूति और दया भाव की महत्ता का वर्णन किया है। सहानुभूति, दया, करुणा, परोपकार जैसी उदारता की भावना को एक सच्चे मनुष्य के अंदर होती है, इसी को दिखाने का प्रयत्न किया है। खड़ी बोली और तत्सम शब्दों के माध्यम से ऐतिहासिक चरित्र के उदाहरण देकर अपनी बात को पुष्ट किया है, परोपकार और दया की भावना को सच्चे मनुष्य में दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पद्यांश भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, इसके आगे के अंश को पढ़ाती हूँ। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि ने यहाँ पर भी अभिमान और अधीरता भाव करने वाले मनुष्य को भाग्यहीन बताया है और कहा है रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कभी भी मदांध, मद और अंध, यानी घमंड में अंधे होना, मद में अंधा, यानी कि आपको ये लग जाए कि हम ही संसार के सभी सबसे बड़े व्यक्ति हैं, हमारे आगे कोई नहीं टिक सकता, तो ये मद होता है, घमंड होता है, और इसी घमंड में हम अंधे हो जाते हैं, हम किसी को भी अपने बराबर का नहीं समझते।
तो कवि ने कहा, रहो न भूल के कभी मदान न तुच्छ वित्त में। अगर तुम संसार में अपने आप को सबसे बड़े पूंजीपति समझते हो तो, और इस बात का तुम्हें घमंड हो गया है, तो ये निश्चित जान लो कि इस तुच्छ वित्त में, यानी ये धन जिसको, जिसने तुम्हें मदांध कर दिया है, मद में अंधा कर दिया है, इसमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सदैव बनी रहने वाली वस्तु नहीं है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। संसार में वित्त मतलब धन, धन को घमंड लेकर घमंड करने वाले व्यक्तियों को समझाते उन्होंने कहा कि धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, और अपने आप को सबसे बलशाली, सबसे सनाथ, रक्षक पालक, समर्थ जान करके कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कवि ने कहा कि धन दौलत के नशे में कभी मत रहो। ये वित्त को तुच्छ कहा है, धन दौलत को तुच्छ कहा है, कि ये धन दौलत जिसके नशा, जिसका घमंड कर रहे हो, इसके घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए। स्वयं सबका नाथ जानकर अभिमान मत करो। जो व्यक्ति बहुत बड़ा पूंजीपति होता है, वो सोचता है कि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, धन दौलत का उसे घमंड हो जाता है, अपने आप को बहुत समर्थवान जानने लगता है, सनाथ, कि वही दुनिया का सबसे बड़ा समर्थ है, उसके आगे बाकी मनुष्य जो है वो छोटे हैं। तो कभी भी अपने आप को बहुत समर्थवान जानकर घमंड मत करो, क्योंकि ये धन दौलत कभी भी किसी के पास से जा सकता है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, सभी उसी ईश्वर की संतान होकर इस धरती पर जन्मे हैं। तो उन्होंने कहा त्रिलोकनाथ साथ है, ईश्वर सबके साथ है, ईश्वर सबके साथ है, त्रिलोकनाथ यानी ईश्वर। इसलिए संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, सबके नाथ कौन है, त्रिलोकी नाथ भगवान। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, और दीनों पे दया करने वाले दयालु भगवान के बहुत बड़े हाथ हैं, जो सब पर अपना वरद हस्त रखे रहते हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखते हैं, सभी मनुष्यों को समान जानते हैं। इसलिए संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, सभी उसकी संतान हैं। तो हम अनाथ स्वयं कैसे मान लें, बहुत अधिक पूंजी होने से, बहुत अधिक समर्थवान होने से हम अपने आप को ये मान लें कि हम ही सबसे बड़े समर्थवान हैं, बलशाली हैं। तो संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, ईश्वर सबके साथ है। तो उसके हाथ बहुत विशाल है, वो सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, संसार में वो मनुष्य अत्यधिक भाग्यहीन है जो मनुष्य अधीर होकर धैर्य को खो देता है, धैर्य को खोकर कुछ करता है, वो संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। जो ऐसा नहीं करता, उसके साथ ईश्वर है, ईश्वर का वरदान है, और ईश्वर सबके साथ है। संसार का सभी व्यक्ति ईश्वर की छत्र छाया में रहता है। तो उन्होंने कहा दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, भगवान के हाथ बहुत बड़े हैं, वो सबको अपनी कृपा दृष्टि के अंदर रखता है। तो कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को अकेला नहीं समझना चाहिए। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उन्होंने कहा है कि वही मनुष्य है जो संसार में मनुष्यों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देता है। कवि ने यहाँ
ईश्वर को जोड़कर भक्ति भाव को भी इसमें प्रधानता देती है कि हम मनुष्य जो अधिक पूंजीवान धन दौलत वाले अमीर हो जाते हैं उन्हें घमंड हो जाता है। तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए, अपने आप को समर्थ जान करके घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए कि हम ही दुनिया के सबसे बड़े समर्थवान हैं। संसार में कोई अकेला है ही नहीं, ईश्वर, हम सब ईश्वर की संतान हैं और उस ईश्वर की कृपा दृष्टि सब पर बराबर मात्रा में मिलती रहती है। तो कभी भी अपने आप को अगर भाग्यहीन समझते हैं, आप अपना धैर्य खोकर अधीर होकर के यदि आप अपने आप को अकेला समझते हैं तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, इसलिए वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। संसार में सच्चा मनुष्य वही है जो अपना जीवन मनुष्यों के लिए न्यौछावर कर दे। तो कवि ने यहाँ पर ईश्वर की सत्ता की सर्वोच्चता का भी आभास कराया है। मनुष्य को धन दौलत के अभिमान से रोकने का प्रयास किया है कि धन का घमंड नहीं होना चाहिए और धन के घमंड से अपने आप को सबसे बड़ा समर्थवान नहीं मानना चाहिए। संसार में कोई अकेला नहीं है। दयालु दीन बंधु में द वर्ण की आवृत्ति है। दयालु दीन बंधु, दयालु दीन बंधु द वर्ण की आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार हुआ। तो और तत्सम शब्दों का प्रयोग यहाँ भरपूर मात्रा में है, खड़ी बोली है। मनुष्य को एक सही सीख दी है कि धन दौलत का नशा कभी नहीं होना चाहिए। धन दौलत का नशा होते ही हम विनाश की ओर बढ़ने लगते हैं। जिस दिन हम अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा समर्थवान व्यक्ति मान लेते हैं उसी दिन से हम विनाश की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्होंने ईश्वर की सत्ता की महत्ता बताते हुए कहा कि संसार में कोई अकेला नहीं है। दीन बंधु के बहुत दयालु है, ईश्वर बहुत दयालु है और अपना कृपा रूपी हाथ सबके ऊपर रखा रहता है। इसलिए मनुष्य होने का जो वास्तविक अर्थ है, मनुष्य का जो वास्तविक मतलब है, उसे हमें समझना चाहिए कि हम मनुष्य जो हैं वो हमारा जन्म तभी सार्थक है जब हम दूसरों के जीवन को भी सार्थक बनाए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मैंने आपको आज तीन पद्यांश पढ़ा दिया, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब शेष बचा है छठा, सातवां और आठवां, जिसे मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, सारा भाव स्पष्ट हो गया होगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।